हेलो स्टूडेंट, इट इज द सेकंड लेक्चर ऑफ लेसन सेकंड इंग्लिश ग्रामर। सो प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडी नाउन, सो लेट्स दैट्स नेक्स्ट टॉपिक। यू हैव लर्नड द नेम ऑफ मैनी प्लेसेस, दे आर ऑल नाउन्स। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप जो है यहाँ पर प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि नाउन है। तो जैसा कि नाउन का डेफिनेशन है, द नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग्स। ये सभी क्या होते हैं, नाम किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, वस्तुएं हो सकती हैं। ये क्या है, ये सब नाउन है। तो यहाँ पे भी देखिए हम नाउन के बारे में स्टडी करेंगे। कौन से नाउन, प्लेसेस के बारे में। प्लेसेस भी नाउन है, नाउन है, तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए जैसा कि हमने इसके पहले स्टडी किया था पर्संस के बारे में और एनिमल्स के बारे में, हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था पर्संस नाउन एंड एनिमल्स नाउन। आज हम प्लेसेस नाउन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ नेम्स दिए हुए हुए हैं और इन्हें हम पढ़ के देखते हैं कि कौन कौन से इसमें से नाउन है। तो सिटी, सिटी नाउन है, होटल भी नाउन है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान देते रहिएगा, जो भी एनी भी प्लेस है, कोई सा भी प्लेस है, वो आपका हाउस भी हो सकता है, ये सभी नाउन है। तो देखिए यहाँ पे सिटी है, होटल है, लाइब्रेरी है, चर्च है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, पार्क है, स्ट्रीट है, स्ट्रीट मीन्स गली, आपकी आपकी गली भी नाउन है, मार्केट है, स्टेशन है, कंट्री है, क्लासरूम है, टाउन है, इवन प्लेग्राउंड भी नाउन ही है, विलेज है, टेंपल है, स्कूल है, मॉस्क्यू है, पोस्ट ऑफिस है। ये क्या है, ये सभी नाउन है। अब देखिए आपने इतने सारे नाउन्स के नेम्स यहाँ पे पढ़े हैं, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या नाउन्स हो सकते हैं प्लेसेस। तो अब देखिए यहाँ पे कैन यू ऐड ए फ्यू मोर, क्या आप खुद से कुछ ऐड कर सकते हैं, आपका खुद से अपने से जो यहाँ पे नेम्स नहीं दिए हुए हैं उनको ऐड करना है, तो क्या आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर खुद से फील करना है कि नए नेम्स जो कि इस ब्लॉक में नहीं दिए हुए हैं। देखिए बच्चों बताइए आप लोग, क्या आपके याद में है, कोई नेम याद आ रहे हैं आप किन्हें जो है नाउन के रूप में यहाँ फील करना चाहेंगे। तो मैं कुछ नेम्स बता रहा हूँ लेकिन आप लोगों को अपने बुक में भी फील करना है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले देखिए आप गार्डन लिख सकते हैं, यहाँ पर आप एयरपोर्ट लिख सकते हैं, स्टेट भी लिख सकते हैं, जू भी लिख सकते हैं, जू जैसा कि आप लोग जू देखने गए होंगे और गार्डन में तो जाते ही रहते हैं, इवन फॉरेस्ट भी नाउन है, और आप जो है बहुत सारे नेम्स इस तरह के आप सोच सकते हैं। हाउस भी नाउन है, होम भी नाउन है, तो ये भी नेम्स आप रख सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह के जो है बहुत सारे नेम्स आपको खुद से सोच करके लिखने हैं, और जितने ज़्यादा आप लिखेंगे उतने ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी नॉलेज बढ़ेगी। तो आप लोग खुद से यहाँ पे लिखेंगे, हमने एग्जाम्पल बता दिया है, तो आप लोग जो है खुद से यहाँ कम से कम 5-5 यानी कि 10 नेम्स खुद से लिखेंगे। अब आगे आते हैं, यू हैव लर्नड द नेम्स ऑफ मैनी थिंग्स, दे आर ऑल नाउन्स। क्या बता रहा है कि अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे नेम्स, वस्तुओं के नेम्स, किसके नेम्स, नेम्स ऑफ मैनी थिंग्स, अनेकों वस्तुओं के नेम्स जो कि नाउन हो। तो आप देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक के अंदर बहुत सारे नेम्स लिखे हुए हैं और ये सभी नाउन हैं। एग्जाम्पल देखिए, टी, फ्लोर,
रेडियो, शुगर, बेंज, मैंगो, साल्ट, फ्रॉक, वुड, ब्रेड, बटर, ऑरेंज, शू, नाइफ, चाक, पेपर, कॉफी, स्कूटर। तो देखिए यहाँ पर इतने सारे वस्तुओं के नेम्स जो लिखे हुए हैं, ये सभी नाउन हैं। ये सब क्यों यहाँ पे लिखे गए हैं? आप लोगों को समझने के लिए कि आप किसी भी थिंग्स, किसी भी वस्तु का नेम अगर लेते हैं तो वो नाउन होगा। तो इसी तरह से जैसे कि आपने ऊपर में यहाँ पे कैन यू ऐड ए फ्यू मोर, आपको कुछ प्लेसेस के नेम लिखने थे, उसी तरह यहाँ पर थिंग्स के नेम भी लिखने हैं। अब आप देखिए, आप खुद बताइए आप क्या क्या यहाँ पे थिंग्स के नेम लिख सकते हैं। तो बुक लिख सकते हैं, नोटबुक लिख सकते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारे मोर थिंग्स, यहाँ पे इनकी पिक्चर्स भी दी हुई हैं, है ना। ये देखिए केक भी वस्तु है, केक भी लिख सकते हैं, है ना। फैन भी लिख सकते हैं, बाल भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे मिल्क भी लिख सकते हैं, बैलून भी लिख सकते हैं। यानी कि बहुत सारे यहाँ पर नेम्स, यहाँ से बहुत सारी पिक्चर्स दी हुई हैं, इनमें से भी आप जो नेम्स यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं उनको लिख सकते हैं, या आप अपने से भी जो आपके घर में ही रखी होंगी बहुत सारी वस्तुएं, बॉटल है, वाटर बॉटल है, यानी मेनी थिंग्स, तो आप जो है उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, आज हमने प्लेसेस नाउन के बारे में और थिंग्स नाउन के बारे में स्टडी किया। तो इससे ये समझना है आपको कि जो भी प्लेसेस हैं वो सभी नाउन हैं, और जो भी थिंग्स हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो भी सभी नाउन में ही आते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे भी फिल कर लीजिएगा खुद से, बहुत सारे हमने एग्जांपल दे दिए हैं। और तो यहाँ पे देखिए बॉक्स के अंदर कुछ लिखा हुआ है, आइए इसको पढ़ते हैं। वर्क विथ योर पार्टनर, यू आर गिवेन हाफ एन आवर। क्या करना है आपको? आपके पार्टनर के साथ वर्क करना है, आपको हाफ आवर दिया जा रहा है। तो पार्टनर में इवन कोई भी, आप अभी वर्क फ्रॉम स्टडी फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपको पार्टनर की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपको हाफ आवर में राइट इन योर एक्सरसाइज बुक एज मेनी नाउन्स एज यू कैन, बट यू मस्ट स्पेल देम करेक्टली। क्या करना है आपको? अपनी नोटबुक में बहुत सारे नाउन्स को लिखने हैं जो आपकी बुक में है या कहीं से भी, है ना। बट यू मस्ट स्पेल देम करेक्टली, लेकिन ध्यान देना है कि उनकी स्पेलिंग करेक्ट हो। हैव देम चेक्ड बाय योर टीचर एंड सी हु इज द विनर। क्या करना है? उसके बाद लिख करके आपको टीचर से चेक कराना है। तो जो जिसका जो है हाफ आवर में सबसे ज़्यादा जो नेम लिखेंगे वो विनर होंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग अपने नोटबुक में लिखिए आधे घंटे में कितने आप नेम्स लिख सकते हैं, और लिख करके फिर हमें व्हाट्सएप पे भेजिए, हम चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन ज़्यादा लिख सकते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास विल क्लोज।